मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू निक्श्री व्लॉग्स। और यार, जस्ट अभी मैं सो के नहीं उठा था, मैं अभी थोड़ी देर पहले मुंह हाथ धो के आया हूँ और ब्रश वगैरह करके आया हूँ जल्दी से। खाना वाना मैंने कुछ खाया नहीं है क्योंकि मेरे को मोटू को लेने जाना है, और मोटू अभी पार्लर के अंदर है, वहाँ पे मोटू वैक्सिंग करा रहा है और आईब्रो वगैरह भी बनवाएगा शायद, क्योंकि आपको पता ही है हमें कल, आज क्या डेट है चेक कर लेता हूँ एक बारी, हाँ हमें कल इवेंट में जाना है, इसलिए हम तैयार हो रहे हैं। कल मैं भी हल्का D10 वगैरह और फेशियल वगैरह करा के आया था, मैंने पहली बार फेशियल कराया, और आईब्रो तो आपने देखा ही था हमारे एक ब्लॉग के अंदर के सारिका ने हमारी आईब्रो बनाई थी। और जल्दी से मैं मोटू को लेने जाऊंगा, उसके बाद मेरे को मोटू के साथ जाना है मोटू का हेयर कट कराने, क्योंकि मैं तो कल करा के गया था हेयर कट हमारे यहीं से ही, लेकिन मोटू को यहाँ पर नहीं कराना है हेयर कट, मोटू को कहीं और जाना होता है, तो वहाँ पे मोटू को हेयर कट कराने लेके जाऊँगा। और थोड़ी देर में मोटू का फ़ोन आने वाला है, उससे पहले मैं स्कूटी साफ कर लेता हूँ, वरना मेरे को टाइम लग जाएगा स्कूटी साफ करने में और फिर मोटू मेरे को डांट मारेगा। हम लड़के हैं यार, ऐसे ही होता है। तो चलो चलते हैं, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। भाई मैं लेने तो मोटू को टाइम पे ही पहुँच गया था, लेकिन मैंने उसको मजाक में एक्टिंग करके बोला कि मैंने कहा मेरे को टाइम लग जाएगा आने में, ये देखो ये आ गया। इसको मैंने बोला था मैं नहीं आ पाऊंगा, मैं नहीं आ पाऊंगा, ऐसी देखो इसकी जैसे इसको दिखा मैं आ रखा हूँ। इस मोटे के बाल कटवाने हम आए हैं यहाँ पे। अब जिस जिसको पता है ये जगह कहाँ है वो कमेंट्स करके जरूर बताना। देखो मुँह देखो कैसा बना रहा है, जैसे कि बेचारे के दर्द हो रहा हो। क्या बात है, गुंडा है गुंडा। जबरदस्ती पीछे पड़ रहा है, बोल रहा बोलो मेरी कटिंग स्टार्ट हो गई। इसका बॉय कट कर दो भैया, है ना? हाँ मस्त बॉय कट करा लो, टोरा कट कर दो इसका। हवा हवाई ये झंडो को कुछ नहीं आता। ठीक लग रहा हो गया ना, बढ़िया बढ़िया हेयर कट। अब इनको संभालना पड़ेगा, ये छोटे छोटे हैं ना, ये बारी बारी आगे आते हैं, इतने क्लिप लगानी पड़ेगी। अब काकू कह रहा है मेरे को ना पाव भाजी खाने, मैंने बोला कि छोले चावल घर पे बने हैं, छोले चावल खा, इतनी गंदी चीज खाता है हमेशा, पता नहीं क्या टेस्ट आता है इसको, झालमुड़ी पूड़ी पूड़ी में बहुत ही बकवास लगती है। मेरे को बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, अच्छी जगह के खाओ तो लगे भी, बंद है सब, कुछ नहीं है यहाँ पे, MCD वाले आए थे। पाव भाजी खा लो, इससे बेटर पाव भाजी। ऐसा लग रहा है सिर्फ आगे आगे कटिंग है, पीछे नहीं है, मैंने बाल बांध लिए ऐसे। जो भी खाते हैं फिर आपको दिखाते हैं, चलो काकू मेरे को छोड़ के चला गया आगे। यार यहाँ पे ना हमने कुछ भी नहीं खाया मार्केट, क्योंकि वो पूरी बंद बंद सी थी, और MCD आई थी ना, इस वजह से फिर मार्केट उन्होंने बंद की थी। मेरा मन था इतना पकौड़े खाने का, मैंने बोला और वो ना तोलने भी लग गए पकौड़े, फिर काकू ने मना कर दिया कि मैं तो खाऊंगा नहीं। अब काकू नहीं खाता तो फिर मैंने भी नहीं खाया। क्यों नहीं खाया? और मैंने ये भी बताओ, क्यों कह रहा था काकू हमारे पिंपल निकल जाएंगे। फिर अब काकू कह रहा है मेरे स्कूल के पास ना एक पनीर पैटी वाला है बहुत अच्छा, तो वो खिलाता हूँ आपको। तो काकू अब मेरे को काकू के स्कूल के पास जीरी गोयनका के वहाँ पे पनीर पैटी खिलाने जा रहे हैं, तो अब हम वो खाएंगे फिर घर पे जाएंगे। घर पे भी काकू बता रहे छोले बने हैं, तो शायद छोले चावल रोटी होगी, फिर वो खाएंगे। मेरे को जुकाम जुकाम से हो गया, कल हमने वहाँ पे तिलक नगर में आइसक्रीम खाई थी ना, और मैं कूलर के आगे सो गई, तो मेरे को जुकाम जैसा हो गया बहुत ज्यादा, अजीब सा लग रहा है नोजी में, और यहाँ पे थ्रोट में गंदा गंदा वाला फील होता है ना, वो होता है। ये आ गए हम काकू के स्कूल के पास, कहाँ गया आपका स्कूल? डिस्ट्रिक्ट पार्क के पीछे। ये रही बस स्कूल की, आपका फेस आ रहा है GD गोइंका, और ये रहा स्कूल। यादें ताज़ा कर लो अपनी, आपके स्कूल के साथ यादें ताज़ा कर लो, करो ना ताज़ा, बोलो यादें ताज़ा ताज़ा ताज़ा।
रहे हैं, मेरे को याद मत दिलाओ जिस स्कूल में मैं दो क्लासों में फेल हुआ था। तीन में हुए थे क्या फेल? ओहो शिट, व्लॉग में नहीं बताना, कोई नहीं मैं कट नहीं करूंगा, ब्लूपर में भी नहीं डालूंगा, मैं नहीं डालूंगा, टेंशन मत लो। मजाक कर रहे गाइस, इसका को तीन में नहीं, पांच क्लास में फेल हुआ था। अरे एक में भी नहीं हुआ था। नहीं जुकाम हो रहा है, शेक थोड़ी पीऊंगा, पेटी पेटी कह रहा हूँ, पेटीज खिलाने के लिए आए थे ना, वो खिला दो, कहाँ पे मिलती है। काकू यहाँ पे पता नहीं कितने सालों बाद आया, स्कूल के टाइम पे यहाँ पे पैटी खाता था, अभी ये भी नहीं पता इसको मिलती है कि नहीं मिलती, बस पूछने जा रहा है कि अंकल पैटी मिलती है यहाँ पे, जस्ट यादें ताज़ा करने जा रहा है, वरना पैटी का टेस्ट तो हर जगह सेम ही होता है। अंकल कह रहे हैं ओवन का खर्चा ही नहीं निकलता था, स्कूल के बच्चे जब आते थे तब खा लेते थे, बाद में धीरे धीरे स्नैक्स आ गए और तो लोगों ने पैटीज खानी छोड़ दी, इसलिए अंकल ने बंद कर दिया। और आप अपनी यादें ताज़ा करने के लिए यहाँ पे पैटी खाने आए लेकिन आपको मिली नहीं, कोई नहीं अब चलो घर चलते डायरेक्ट। यहाँ पे बच्चे तो अभी भी आते हैं जुड़ी गोइंग का स्कूल से, तो वो क्यों नहीं खाते फिर? असल में वो जो आजकल न्यू न्यू स्नैक चल गया है ना, वो सब खाते होंगे, ये पुरानी चीजें जो पैटी वैटी थी वो नहीं खाते होंगे। वो ज्यादा स्टैंडर्ड बच्चे आते हैं, वो ये सब नहीं खाते। काकू कह रहे हैं ज्यादा स्टैंडर्ड बच्चे हो गए, वो ये सब नहीं खाते, अगर खाते होते और अंकल का अवन का खर्चा निकलता होता तो आज हमें भी पैटी खाने को मिल जाती। कई बार ना पैटी का नहीं होता है, वो तो आपको कहीं और भी मिल जाएगी, लेकिन वो मेमोरी होती है कि हाँ भाई आप इस शॉप पे खाते थे, वो अंकल आपको दे देते, इतना टाइम आपने रेगुलर खाया, और अब जाके देखो तो अंकल से ये रीज़न सुनने को मिल रहा है कि उनका अवन का खर्चा नहीं निकल पा रहा था, इस वजह से उन्होंने पैटी देना छोड़ दिया है, तो थोड़ा सैड लगता है। सैड लाइफ गाइस, सैड लाइफ। अब पता नहीं क्या खाने जाएंगे, काकू लेके जाएगा हम काकू के स्कूल के रास्ते में, जो भी खाएंगे वो आपको दिखा देंगे। मैं जल्दी से फोन रख देती हूँ, एक बार ही भूख लग रही है, फेस पे बहुत ज़्यादा, फेस ना पूरा का पूरा गंदा हो गया ना, हमने कुछ खाया है और अभी आए हैं यहाँ पे, दिखाना हमारी परमानेंट शॉप पे चश्मे देखने के लिए, क्योंकि कल हमें जाना है और काकू का चश्मा जो है वो टूट गया था, उसका लेंस टूट गया था, तो काकू सोचा कि फ्रेम भी चेंज करा लूँ, क्योंकि करोल बाग में मिला नहीं था। और मुझे कोल्ड हो रहा है, काकू अपने चश्मे देख रहे हैं, फिर एक बार ही अपना आई टेस्ट भी कराएगा उससे पहले, फाइनल करने से पहले, तो एक बार ये कर लेते हैं फिर मैं आपसे मिलती हूँ, क्योंकि मैं तो बोलना नहीं जा रहा, बहुत ज़्यादा कोल्ड जैसा लग रहा है। काकू यहाँ पे आई टेस्ट करा रहा है अपना, देखो फिर आई टेस्ट करा के फिर पता चलेगा ना कि कितना क्या है, ऊपर नीचे जो भी हुआ है, फिर उसके हिसाब से न्यू वाला चश्मा बनेगा। एक चश्मा ले लिया है और एक आपने लेंसेज के लिए बनवाने के लिए दिया, आप घर चल पड़ो, मेरे को बहुत जोर से भूख लग रही है, मैंने सब्जी कुछ भी नहीं खाया, पेटीज नहीं खानी यार, घर चल के छोले चावल ही खा लेंगे, बहुत जोर से सुस्सू आ रहा है। मेरे को ना पार्लर से बाहर की बार काकू हेयर कट कराने के लिए ले गया, मैंने बोला था घर चल पड़ो, मेरे को सुस्सू आ रहा है, कहता नहीं जल्दी काम हो जाएगा, तब से मेरे को ना इतनी जोर से इरिटेशन हो रही है, जल्दी घर चलो, आप डायरेक्टली घर जाएंगे, अगर काकू कहीं और लेके जाने की जिद ना करे तो मैं जाके मिल जाए आपसे। ये काकू यहाँ पे ले आया पेटीज खाने के लिए, जिद्दी है बहुत ज़्यादा, मान लेना कि कुछ खाना है, ऐसी कल जिद करके इसने आइसक्रीम भी खाई थी और मेरे को जुकाम हो गया, अब चला गया अंदर, मेरे को नोजी आ रही है, मेरे को जुकाम हो रहा है, मेरे को भूख लग रही है, मैं पेटीज खा रहा हूँ। घर जाना था काकू को दुकान पे, यहाँ पे बीच में ओएस का येलो वाला पैकेट दिख गया, क्योंकि वो यूजुअली कहीं मिलता नहीं, तो यहाँ रुक गया अब ओएस लेने स्पेशली, मेरे से ज्यादा बच्चा तो ये है। घर पे आ चुके हैं, मोटू तो काफी देर पहले ही आ गया था, मैं अब आया हूँ, बैंक से पैसे वगैरह निकलवाने गया था ऊपर लेबर को देने के लिए, और सब्जी आज हमारे घर पे बनी है, ये छोले चावल और रोटी। मोटे को ऐसा लग रहा बहुत तेज जुकाम होने वाला है, क्योंकि कल हम आइसक्रीम खा के आए थे और आइसक्रीम खाने के बाद उसकी हालत खराब हो गई, मतलब कल रात को मौसम भी थोड़ा ऐसा हो रहा था, तो इस वजह से उसकी हालत खराब होगी शायद, और अब मोटे को जल्दी से चावल दे के आता हूं और मैं बाहर से उसके लिए भी दवाई खरीद के लाऊंगा। ऑल दो जुकाम की कोई दवाई नहीं होती, बट फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा मतलब रिलीफ मिले, जो थोड़ा पेन किलर भी नहीं लेते, पेन किलर गलत होता है सॉरी, तो कुछ ऐसा जो रिलीफ मिले, थोड़ा सा रिलैक्स मिले बॉडी को, तो जल्दी से मोटे को ये चावल डाल के दे के आ जाता हूँ। और चावल भी नहीं देने चाहिए, इसलिए मैंने बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी डाली है, वरना मोटी ये जो प्लेट दिख रही है आपको पूरी भर के चावल खाता है साथ में छोले के। गाइस शाम के बजे हैं, देखने दो कितने बजे हैं, 4:39 हो रहे, ऑलमोस्ट 5 बजने वाले हैं, और मैंने आपको बताया था कि मेरे को कोल्ड जैसा लग रहा है, तो मेरे को कोल्ड हो गया प्रॉपरली, और मेरे से बोला भी नहीं जा रहा, तब थोड़ा डाउन से लग रही है, कल हमें जाना है, परसों भी इवेंट है,
और अभी ने काकू ने मेरे को मेडिसिन ला के दे दी थी, मैंने दवाई तो ले ली है लेकिन मेरे को लग रहा है जैसे फीवर हो जाएगा। और मैंने आपको व्लॉग में बताया था ना कि हमारे दो प्रमोशंस कैंसिल या जैसे भी हो गया था तो मूड ऑफ था, तो क्या हुआ अब दोबारा से मैसेज आया था कि भाई करना है जैसे भी है, तो जो हमने उनके लिए वीडियो शूट की थी वो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं स्टारबक्स वाली। अभी मैं व्लॉग एडिट कर रही थी कल वाला, तो वो मैंने जस्ट अभी किया, और उससे पहले उस बंदे का दोबारा से काकू का मैसेज आ गया था कि भाई ऐसे ऐसे आपको करना है, 15 से पहले देनी है तो हो पाएगा। तो अब हमें ज़रूरत भी है यार, क्योंकि हमारा स्टूडियो बन रहा है और आपको पता है सब करना होता है, तो इस वजह से फिर हम ऑन द स्पॉट जल्दी से व्लॉग को एडिट करके अपलोड किया। अभी बैठे बैठे जल्दी से स्क्रिप्ट लिखी है, मैंने ड्रेस निकाली है मेरी पहनने के लिए, काकू भी अपने बाल सेट करने के लिए जा रहा है, कल की हमें बहुत सारी तैयारियां करनी थी वो तैयारी हम नहीं कर पा रहे हैं, स्क्रिप्ट लिखनी थी कि वहाँ जाके क्या करना है, जहाँ हम जा रहे हैं क्या नहीं करना है, ये सारी चीज़ें। और हमें हमारे प्ले बटन्स भी वहाँ पे लेके जाने थे, तो प्ले बटन काफ़ी बड़े होते हैं, उनके लिए कोई पोली बैग भी नहीं है हमारे पास, तो वो भी देखना था। तो ऑन द स्पॉट अभी प्रमोशन आ गया तो ये भी करना इम्पॉर्टेंट है। काकू की और मेरी थोड़ी सी बहस भी हुई कि भाई मेरी तबीयत ख़राब है, पीरियड्स भी हो रहे, ऊपर से मैं कैसे करूँ, और जैसे भी था लेकिन काम भी करना था। तो अभी स्क्रिप्ट बनाई है, अब जा रहे टिम हॉर्टन्स जाने वाले थे वैसे हम, तो वहाँ पे जाके वीडियो शूट करनी है, और कल हमें ये लगा लो 10:30 बजे वहाँ पहुँचना है, गुरुग्राम जाना है, 10:30 बजे पहुँचना है, तो यहाँ से 8:30 के आसपास निकलना पड़ेगा, या 8 के आसपास, ठीक है, और वो 2 घंटे पहले, और वो निकलने के लिए पहले मेरे को सारिका के घर जाना है क्योंकि वहाँ पे रेडी होना है, तो 1 एंड हाफ आवर पहले वहाँ पे भी जाना है। और मैं सोच रही थी कि आज हम वीडियो शूट कर लेंगे, वॉइस ओवर कल सुबह काकू के घर आके कर लेंगे, तो मुझे लग रहा है सुबह 5 बजे मेरे को यहाँ पे आना पड़ेगा, समझ रहे हो आप, इतना सारा मतलब हेक्टिक सा शेड्यूल। तो whoever thinks के influencers की लाइफ इतनी ईजी होती है, नो इट्स नॉट दैट ईजी, जो लगती है नहीं होती ईजी। तबीयत ख़राब है देख लो, इस हालत में भी मैं रेस्ट नहीं कर सकती, लेकिन मेरे को जाके करना पड़ेगा काम, और काकू को भी बट करना पड़ेगा, वही वाली बात है। तो चलो एक बारी काकू और मैं जल्दी से रेडी हो जाते हैं, और ज़्यादा लेट ना हो, जाते हैं वीडियो शूट करते हैं, और फिर वहाँ पे जाने के बाद आपसे मिलते हैं। यार ये काकू तो ना सच्ची लड़कियों से भी ज़्यादा टाइम लेता है रेडी होने में, इतना टाइम हो गया है काकू रेडी हो के अंदर। ज़बरदस्ती का क्या मतलब है, बाल सेट करने में इतनी देर किसको लगी। इतने में आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ये बॉक्स आप देख रहे हो, एक सेकेंड, एक्चुअली थोड़े टाइम पहले ना मैं इंस्टा स्क्रॉल कर रही थी, तो मुझे ना एक ऐड दिखा इन क्यूट क्यूट से बॉक्सेस का, तो मेरा बड़ा ज़्यादा मन किया लेने का। मैंने उनका इंस्टा प्रोफाइल खोला ना, तो देखा कि ये अमेज़ोन पे भी मिलते हैं। ये मेरे को पर्सनली ज़्यादा अच्छे पता है क्यों लगे, एक तो ये ट्रांसपेरेंट है, तो काकू अगर कोई भी स्नैक रखना चाहेगा ना छुपा के, तो वो रख नहीं पाएगा क्योंकि इसके अंदर वो मेरे को स्नैक दिख जाएगा। और इसका जो वो जो ऊपर का है ना, ये क्या बोलते हैं इसके, लिड नहीं, लिड तो ये होती है, ये जो है मतलब जो भी ये पूरा ही अच्छा ठीक है अरे अच्छा ये लॉक लिड है, सॉरी। तो ये वाइट कलर का था ना, तो मेरे को वाइट कलर थोड़ा ज़्यादा प्यारा लगता है एज़ कम्पेयर टू अदर बॉक्सेस, वरना पहले तो वो ना क्या जो टॉफी वगैरह के डब्बे वब्बे नहीं आते थे, उन्हीं में ही रख लिया करते थे सामान, तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। ऊपर हम स्टूडियो भी बना रहे हैं, नीचे भी रेनोवेशन का काम चल रहा था ना किचन में, तो काफ़ी दिनों से ऑर्डर किया हुआ था अमेज़ोन से, अभी आया। इसके जो लिड है ना देखो ऐसे खुलती है, ये टक टक करके टक करके जो ये खुलती है और बंद होती है ना, ये मेरे को बड़ी प्यारी लगती है, इसलिए मेरे को काफी अच्छे लगे थे ये बॉक्स, क्वालिटी भी अच्छी लगी थी इनकी, ऐसे करके लॉक हो गया, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी लगी थी। तो मैंने ना मतलब थे तो बहुत सारे के सेट, लेकिन मैंने पहले 3 मंगाए थे ये देख के कि ये अच्छे होंगे तो फिर मैं और ऑर्डर कर लूंगी। ये अमेजोन पे ये लिखा है, अमेजोन फ्लिपकार्ट सब पे मिल रहा है, ये काफी क्यूट से थे। अगर आपको चाहिए ना तो मैं इंस्टा आईडी कह रही हूँ सॉरी, क्योंकि मैंने इंस्टा पे देखा था ना पहले, अगर आपको चाहिए तो मैं इंस्टा आईडी अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट मेंशन कर दूँगी, अदरवाइज़ अगर आप चाहो तो डायरेक्टली फ्लिपकार्ट या अमेज़ोन पे पोश लिंक नहीं पोश प्लास्टिक वेयर डाल सकते हो, उस पर भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि जो भी हम सामान यूज़ करते हैं ना अगर किसी को अच्छा लगता है, वो जो हमारी ऑडियंस देखते हैं तो वो बोलती है कि यार आपने कहाँ से लिया था बताओ, सुंदर लग रहा था। अभी थोड़े दिन पहले ना मेरी बर्गर किंग वाली वीडियो में जो मैंने ब्लू टी शर्ट डाली थी ना उसके बारे में पूछा, मैं क्या बताऊँ उसको कोई लिंक नहीं है क्योंकि मैंने तो वो सरोजनी से जाके ली थी और ऐसे ही मिल गई थी मेरे को बस, और काकू तो मरा भी कर रहा था बट मेरे को काफ़ी अच्छी लगी, तो इसलिए मैंने सोचा कि यार पहले ही इसका लिंक आपको बता देते क्योंकि काफ़ी मेरे को क्यूट से लगे, मे बी आपको भी लेने हो, तो जल्दी से रेडी हो जाओ जाना है। बंद करोगे तो फिर मैं कपड़े चेंज करूँगा ना, लोगों को दिखाऊंगा नहीं अपना अंग प्रदर्शन, जैसे तो वीडियो में बहुत ज़्यादा कपड़े पहन के घूमते हो, मैं तो यहाँ वीडियो बना रहा हूँ, वहाँ जाके चेंज कर लो, गो कर लो चेंज, मैं कुछ दिखा रहा हूँ किसी को, करो चेंज
करो चेंज, मैं कुछ दिखा रहा हूँ किसी को। चेंज कैसे करोगे अंदर? अरे चलो लेट हो रहा है, जल्दी से चेंज करो गाइज। अब पक्का पक्का वहाँ जाने के बाद ही आपसे मिलते हैं। डाडा गाइज, हम आ गए हैं टिम होर्टन के बाहर एंड वी ओनली हैव जुकाम हो गया यार, कुछ नहीं बोला जा रहा। एंड वी ओनली हैव 1 और 1.5 आवर शूट करने के लिए प्रॉपरली, और काकू अपना फेस क्लीन कर रहे हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं है। और कल सुबह 5 बजे आके काकू के घर पे वॉइस ओवर करना है, क्योंकि वॉइस ओवर आज नहीं कर पाएंगे। और मेरे को बहुत ज़्यादा जुकाम हो रहा है, नोज़ी बिल्कुल ऐसे मेरी बो की तरह बह बह के निकल रही है। और कल और परसों हमें जाना भी है, तो एक बार जल्दी से जाके। 11 तारीख आ रही है, अब समझ में आया 11 तारीख क्या होता है। एक यहाँ से ही होता है 11 तारीख, लोगों ने पता नहीं क्या क्या प्रिटेंड कर लिया। तो एक बार ही जाते हैं अंदर जाके वीडियो शूट करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं, क्योंकि आज बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अज्यूम कर लिया ठीक है। तो जा रहे हैं जल्दी से वीडियो शूट करने। इस मोटे की पूरी तरीके से हालत ख़राब हो रखी है, इसको जुकाम हो रहा है। ये देखो, शूट हमारा कंप्लीट हो चुका है, शूट वगैरह करके अभी ये दोनों ड्रिंक्स जो है मेरे को ही ख़त्म करनी पड़ेगी। और मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि मेरे को जुकाम होने वाला है, क्योंकि ये दोनों ड्रिंक, ये मोटू अपना मुंह लगा चुका है इन दोनों ड्रिंक्स के अंदर, और ये झूठी है और इनको मैं वेस्ट कर नहीं सकता। तो मैं भी पी के जाऊँगा ये, और हम दोनों साथ में जुकाम में होके जाएंगे, है ना मोटे? हर सिचुएशन में साथ साथ। फीवर हो रहा है इसको यार, मैं हो सकता है तो अभी हम दोनों यहाँ से कुछ खा पी के और फिर दवाई वगैरह दिलाते हो, मैं इसको जाऊँगा मोटे को। जो आप दवाई लेके आए थे ना, वो डिक्की में रखी हुई है, वो एक डोज़ ली थी अभी, एक और रखी हुई है डोज़। सर में दर्द हो रहा है, जुकाम हो रहा है, हैंकी भर दिया मैंने पूरा का पूरा, और मेरे को फीवर भी हो रहा है। और मेरे को सेम कपड़े पहनने के आने के बाद भी इन्होंने मेरे को डिस्काउंट नहीं दिया, देना चाहिए था। पीछे का एरिया जो देख के बता देगा हम कहाँ पे हैं, उसको हम देंगे 100 रुपये इनाम। दोनों हाथ से करते हैं, 100 रुपये इनाम, 200 हो गए। मुझे कोल्ड ज़्यादा हो रहा है ना, इसलिए यहाँ पे आके हमने मंचाओ सूप बनवाया है, क्योंकि मेरी नोज़ी बह बह के जा रही है। और आप क्या ऑर्डर करोगे, आपको क्या खाना है? मोटे के लिए करा है मंचाओ सूप, वो तो बता दिया, आप क्या खाओगे? मैं देखता हूँ आगे पीछे, थोड़ा पाव भाजी वगैरह खाऊंगा। आगू का सुबह से मन था पाव भाजी खाने का, तो ये पाव भाजी ही खाएगा। तो एक बारी सूप आ जाए जल्दी से, वो पीते हैं, देखते हैं मेरी थोड़ी तबीयत ठीक हो जाए या ना हो, क्योंकि बढ़ता ही जा रहा है मेरे को कोल्ड। हालत ज़्यादा ख़राब हो रही है इस बंदर की, जल्दी से इसको सूप पिला के फिर घर लेके जाता हूँ। और अब बता दो कौन सी मार्केट है। चश्मा भी लेना है यार मेरे को। कोई बात नहीं, मैं आपको छोड़ के फिर लेने आ जाऊँगा। हेलो बंदर भाई, ये आ गया हमारा मनचाओ सूप, और बहुत देर के वेट के बाद आया ये भैया ने, बहुत टाइम लगा दिया आज। जल्दी से पियो और बताओ कैसा है। ठीक है, चलो अच्छा लगेगा आपको थोड़ा सा सूप पीने के बाद। तो गाइस मैं भी जल्दी से सूप पी लेता हूँ, लेट हो रहे हैं हम, 7:40 यहीं पे हो रहे हैं और हमें घर पे भी पहुँचना है। वही बंदा है ना, ये ट्राई करता है कि अगर मेरे को जुकाम हो गया ना, मेरे पार्टनर को ना हो। लेकिन ये मोटा जो है, ये इतना बड़ा हरामखोर है, ये पता है क्या करता है, ये ना जानबूझ के ना मेरे को भी जुकाम करने की कोशिश करता है, ताकि हम दोनों साथ में बीमार पड़ जाएं। सब कुछ साथ में करने का ये मतलब नहीं होता, ठीक है गाइस। इतनी गर्मी में हमने गरम गरम सूप पिया, इंसान गर्मी में ठंडा खाता है, हमने गर्मी में गरम ही सूप पिया। कल ठंडे का खाने का भुगतान कर रहे हो ना इसलिए। आपने जिंदगी थी वहाँ पे रोक के लेट और करवाया घर जाने के लिए, ऊपर से मेरे को आइसक्रीम और खिलाई आ रही है, तो मेरे जुकाम कर दिया। मैं ये कह रहा था कि काकू ने भी सूप मेरे साथ इसलिए पी लिया, क्योंकि काकू को लग रहा था टिम हॉर्टन्स में, जैसे मैंने भी कॉफ़ी ट्राई की थी ना, तो सेम ही पाइप से की थी, तो काकू को भी थोड़ा हेडेक हो रहा था कि उसकी भी तबीयत शायद ख़राब हो गई है, इसलिए आगे ज़्यादा जुकाम ना हो जाए। तो काकू ने सोचा कि काकू भी क्या सूप पी लेता है, और मैंने पिया, मेरे को भी काफ़ी बेटर लगा। लेकिन अब ये लग रहा है गरम गरम सूप पी के जा रहे हैं तो ठंडी ठंडी हवा लगेगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना बहुत बड़ा पार्क है, डिस्ट्रिक्ट पार्क ना काकू, है डिस्ट्रिक्ट वाला नहीं है, डिस्ट्रिक्ट पार्क तो पीछे वाली साइड है, ये बहुत बड़ा पार्क है, और ना यहाँ पे सारे में पेड़ पेड़ है, और ना बहुत ठंडी ठंडी हवा आती है। तो अब गरम सूप पी के ना मेरे को ठंडी ठंडी हवा लग रही है माथे पे, तो मैं सोच रही हूँ कि काकू के पीछे ऐसे हेडेक मतलब कर लूं, फिर को नीचे रख के ऐसे पैक होके एक बारी घर पहुंच जाऊं जल्दी से। तो आज के ब्लॉग का कहते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए चलो, तब तक बाय 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 बाय।